हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड वर्ल्ड क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है नितिन की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भीष्मा के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से। तो दोस्तों, भीष्मा को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म ने 3 दिनों पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए 22 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी कि इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो है इस प्रकार। यानी कि इस फिल्म ने फ्राइडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था तो वो था 9 करोड़ 50 लाख रुपए का। उसके बाद सैटरडे को जो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया तो वो था 6 करोड़ 50 लाख रुपए का। और अंत में भैया संडे को इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है तो वो है 6 करोड़ का। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो अब तक कलेक्शन किया है तो वो है 22 करोड़। लेकिन भैया जो चौंकाने वाली बात ये है कि इस फिल्म को पहले दिन जबरदस्त कलेक्शन मिला था, यानी कि 9 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस मिला था। लेकिन उसके बाद इस फिल्म के बिजनेस में गिरावट देखने को मिली। यानी कि भैया सैटरडे को इस फिल्म का जो बिजनेस हुआ वो 6 करोड़ 50 लाख के आसपास रहा और उसके बाद संडे को जो कि छुट्टी वाला दिन था उस दिन भैया इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया है वो बताया जा रहा है कि लगभग 6 करोड़ का है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें तो बताइएगा कि पहले दिन अच्छा ओपनिंग पाने के बाद में यह फिल्म आगे आने वाले दिनों में गिर क्यों गई बॉक्स ऑफिस पर, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड वर्ल्ड क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।